हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। इसके पहले पार्ट वन में देखे होंगे कि किस तरह से हम लोग डायमेंशन का एप्लीकेशन पढ़े थे। उसमें बताए थे कि वन सिस्टम से कैसे अदर सिस्टम में चेंज किया जाता है। आपको दो क्वेश्चन भी आपको एग्जांपल में बताए थे। पहला कि एक न्यूटन में कितना जाइन होता है और एक जूल में कितना अर्ग होता है। तो चलिए, अगर उस वीडियो को आप लोग देखे नहीं होंगे तो उस वीडियो को जरूर आप लोग देखिएगा। और आज हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन की बात करेंगे डायमेंशन का, जिसका नाम है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन। मीन्स किसी भी फिजिकल रिलेशन को किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए, हम आपको बताना चाहेंगे, आई एम फिजिक्स गुरु संजय सर। यदि आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। और हाँ, जाते वक्त एक बार कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो में आपको कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल रिलेशन, किस तरह से फिजिकल रिलेशन को हम चेक कर सकते हैं। बहुत सारे फिजिकल रिलेशन आप लोग फॉर्मूले पढ़े होंगे, वो फिजिकल रिलेशन सही है कि गलत है, हम डायमेंशन के हेल्प से उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट हम इक्वेशन ऑफ मोशन का हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, और उसको देखते हैं कि वो रियली सही है कि गलत है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, फर्स्ट तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और हम ये चेक करना चाहेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी राइट है और रॉन्ग है। ये हम डायमेंशन के फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं, मीन्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए, हम कैसे चेक करते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ हम डायमेंशन को रख करके एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस करते हैं और देखते हैं कि क्या दोनों का डायमेंशन बराबर है। तो चलिए, सबसे पहले आर एच एस की बात करते हैं। देखिए, आर एच एस ये यू प्लस ए टी है, यू प्लस ए टी। आपको मालूम होना चाहिए यू इज वेयर यू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड t इज द टाइम। तो आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए इसको चेक करने के लिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले u का डायमेंशन एल टी का पावर माइनस वन क्या होता है, एल टी का पावर माइनस वन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी का पावर माइनस टू, एल टी का पावर माइनस टू, और इनटू टाइम को हम डायमेंशन के रूप में टी लिख लेते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हो जाएगा एल टी का पावर माइनस वन और प्लस ये हो जाएगा एल टी का पावर माइनस वन। तो देखिए, कभी भी इस तरह का सेम डायमेंशन ऐड में हो या सब्ट्रैक्ट में हो तो एक ही डायमेंशन लिखा जाता है, क्योंकि इसको ना तो डायमेंशन को ऐड किया जाता है और ना तो उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ऐड है तो इसको ऐड नहीं करेंगे, और नहीं इसको अगर सब्ट्रैक्ट रहता है तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं करते हैं। इसलिए सेम है तो एक डायमेंशन को हम लोग लिख लेते हैं एल टी का पावर माइनस वन। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड का डायमेंशन। अब हमको चेक करना है कि एल एच एस में क्या डायमेंशन होगा। तो एल एच एस की बात करते हैं, एल एच एस में आप देख रहे हैं कि वी का डायमेंशन, और वी का डायमेंशन एल टी का पावर माइनस वन होता है। तो आप देख सकते हैं आर एच एस और एल एच एस बोथ साइड इक्वल है, तो हम कहेंगे सो आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस एंड दिस इक्वेशन इज राइट इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ डायमेंशन रह करके हम ये चेक कर लेते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो सही है कि गलत है। तो चलिए, हम एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहेंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप जैसे कि मालूम होगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यदि आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से ना कमेंट करके बताइए कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए, हम आपको बताते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सारे बच्चों को मालूम है और कुछ बच्चों को मालूम भी नहीं रहता है कि क्या होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए। यदि आपको तेज बनना है तो आपको सब चीज पे ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बट
आई डोंट नो दिस इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग, वी कैन प्रूफ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, हम इसको चेक कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो सही है कि गलत है डायमेंशनल के हेल्प से। इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है कि गलत, हम चलिए चेक करके बताते हैं। तो हम फिर यहाँ पे एल एच एस हम कर लेते हैं, एल एच एस जो है बाबू दिस इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, ये हम एल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं एल, एल इज द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, ऑन हियर एस इज द डिस्टेंस, एस जो होता है वो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, ये इक्वेशन जो है वो डिस्टेंस का इक्वेशन है, तो एस हमारा डिस्टेंस और डिस्टेंस का डायमेंशन हमारा कैपिटल एल, और हमको ये देखना है आर एच एस जो है ये पूरा इक्वेशन का एल है कि नहीं, उसको आपको चेक करना है। तो चलिए हम चेक करके बताते हैं आर एच एस, आर एच एस में हमारा फॉर्मूला जो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आप देख सकते हैं यू टी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है बाबू एल टी का पावर माइनस वन, और टी का डायमेंशन हम कैपिटल टी कर लेते हैं, और जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो नंबर होते हैं नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, प्लस लिखते हैं ये वाला, और ए जो होता है एल टी का पावर माइनस टू, चूँकि एल टी का चूँकि ए जो है ए इज एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन हमारा एल टी का पावर माइनस टू होता है, और यहाँ पर टाइम को हम कैपिटल टी स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और टी स्क्वायर इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसका डायमेंशन एल टी का पावर, ये देखिए टी टी कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हमारा सिर्फ क्या बचेगा कैपिटल एल, सिर्फ कैपिटल एल बचेगा, प्लस करते हैं यहाँ पर टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, चूँकि बेस बराबर है और पावर जो है एक माइनस है और एक प्लस है, इसलिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं इसको, हम लोग ये कैंसिल कर लेते हैं, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ हम कहेंगे कि ये हमारा इधर एल बचता है, और जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कभी भी डायमेंशन को ना तो ऐड किया जाता है और न ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है, एल प्लस एल है तो इसका डायमेंशन सिर्फ एल होगा, हम लिख सकते हैं कैपिटल एल। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एल एच एस जो है कैपिटल एल, आर एच एस जो है कैपिटल एल, सो लिख सकते हैं आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, ये आपका हम कह सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इक्वेशन इज द राइट इक्वेशन, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैसे हम लोग चेक करते हैं आपको पता चल गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल आपको हम देना चाहते हैं, वो आप चेक करके आप भी बताइएगा कि क्या आपका ये सही है कि गलत है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना होगी। तो चलिए हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ थर्ड मोशन का, आप अगर मालूम है तो आप कमेंट करके बताइएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला क्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हम देखना चाहते हैं हमारे बच्चे जो देख रहे हैं वो कितने बच्चे एक्टिव हैं और वो कितने नॉलेजफुल रखते हैं, कितने ज्ञान रखते हैं, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम बात करते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, ये दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इसको प्रूव करके देखेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन का फॉर्मूला रख करके देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या दोनों का फॉर्मूला सही है कि गलत है। चलिए हम आर एच एस की बात करते हैं, आप कोई भी पहले ले सकते हैं, टू एस है, आप देखते हैं कि 2 जो है वो आपका कांस्टेंट, और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती इसलिए 2 को नेगलेक्ट करते हैं, एज द एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का हमारा डायमेंशन होता है एल टी का पावर माइनस टू, और एस जो होता है बाबू डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल एल होता है, और इस तरह से हम करेंगे एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ आर एच एस,
ऑफ दिस इक्वेशन एंड नेक्स्ट की बात करते हैं, एलएचएस में हमारा क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि एलएचएस जो है वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि वी कैपिटल वी जो होता है फाइनल वेलोसिटी और यू जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, और दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तो हम लिख सकते हैं एल टी का पावर माइनस वन, इसका लिखेंगे क्या, एल टी का पावर माइनस वन, और पावर बाबू दो कर लेते हैं माइनस, यहाँ पर भी एल टी का पावर माइनस वन और पावर दो कर लेते हैं। अब देखिए पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू माइनस एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू। तो आप देखिए हम बार बार कहते हैं कि कोई भी डायमेंशन होता है और डायमेंशन को न तो ऐड किया जाता है और नहीं सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्ट है, इसलिए सेम ही डायमेंशन है, तो एक सिंगल डायमेंशन को हम लोग लिख लेते हैं एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू। एंड हम कंपेरिजन करते हैं कि आर एच एस और एल एच एस इक्वल है कि नहीं, देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, अगर ये इक्वल हो गया मीन्स दिस इक्वेशन इज द राइट इक्वेशन। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फिर हम लोग नए एप्लीकेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।